बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल बे बंद कर, क्या कर। तो बस करते हैं इससे पहले कॉपीराइट आ जाए। तो इंट्रो सुन के और थंबनेल देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं IPL के बारे में, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी क्रिकेट लीग है। हाँ, ये वो लीग है जिसमें एक प्लेयर 24,75,00,000 का बिकता है और वहीं प्राइज मनी 20,00,00,000 रुपए। इससे हमें यह पता चलता है कि जो IPL टीम्स हैं उनका सारा प्रॉफिट बस प्राइज मनी से नहीं होता। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो हुआ क्या कि कल मैं देख रहा था पंजाब किंग्स और RCB का IPL का मैच, जिसमें फैफ डु प्लेसी को कगिस और रबाडा ने आउट किया, मतलब उन्होंने बॉल डाली और कैच किया था सैम करन ने। लेकिन हुआ क्या कि जब बैट्समैन आउट होते हैं तो जो वो नीचे टेबल सा बनाता है कितनी बॉल पे इतनी स्कोर, रन रेट वगैरह, स्ट्राइक रेट, तो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। उसमें वहां पे लिखा हुआ था बॉल बाय सिराज, और सिराज खुद RCB की टीम में ही खेलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया गया। और जियो सिनेमा पे जब उसकी हाईलाइट्स आई तो वहां पे वो सारा वो स्कोरबोर्ड जो था, जो एंड पे शो था बोर्ड, उसे रिमूव भी कर दिया गया। मैं आपको उसके क्लिप दिखा देता हूँ। इतनी बड़ी गलती, जब इतनी करोड़ों के ऑडियंस, करोड़ों के व्यूज आते हैं रोज IPL में, पहले मैच में तो शायद 30,00,00,000 से भी ज्यादा गए थे, और कई लोग तो अपने केबल पे भी देखते होंगे, सारे जरूरी नहीं OTT पे देखते हो, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मिस्टेक, और बाद में उसे ठीक भी नहीं किया गया हाइलाइट्स में, उसे रिमूव कर दिया था। और यहाँ पे अगर छोटी सी मिस्टेक कर दो तो कमेंट्स में आता है। खैर, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं IPL की ऑक्शन के बारे में। IPL के ऑक्शन में पैसा तो ऐसे बहता है जैसे किसी नदी में पानी बह रहा हो, क्योंकि आपको पता है सारी IPL टीम्स के ऑनर्स के पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अपना सारा पैसा, जितना मन चाहे उतना पैसा IPL में लगा दें, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती है जिससे ज्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकते, जिसे हम उनका पर्स बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर हैं SRK शाहरुख खान, पंजाब किंग्स के ओनर हैं प्रीति जिंटा, और मुंबई का तो हम सबको पता ही है उनके ओनर, जिनकी अभी प्री वेडिंग हुई थी। अब IPL के ऑक्शंस में ओवरसीज प्लेयर्स में बहुत पैसा लगाया जाता है, जैसे ये हैं कैमरन ग्रीन, ये हैं मिचेल स्टार्क, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिन पे ज्यादा पैसा लगाए वो हमेशा अच्छा ही खेलें। जैसे आप इन प्लेयर को देखिए, पहचाना नहीं पहचाना, इनका नाम है हरप्रीत ब्राड, अभी भी नहीं याद आया। अब हम चलते हैं 3 साल फ्लैशबैक में, जब इन्होंने 19 रन देके 3 विकेटें ले ली थी, वो भी RCB के खिलाफ, जब इन्होंने मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली तीनों को आउट कर दिया था, और तब इनकी सैलरी थी बस 20,00,000 रुपए, जो कि किसी भी नॉर्मल से प्लेयर को लेने के लिए बेस प्राइस होता है। 20,00,000 के नीचे आप कोई प्लेयर ले ही नहीं सकते IPL में, लेकिन इस साल इनकी सैलरी है 3,80,00,000 रुपए। और कल के मैच में भी काफी अच्छा खेले, 2 विकेट्स लिए इन्होंने। और अब आप इन प्लेयर को देखिए, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा ये ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट करंट पेसर्स हैं मिचेल स्टार्क, जिनको खरीदा गया था कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा 24,75,00,000 रुपए में। और पहले मैच में क्या किया इन्होंने, चार ओवर में 50 से ज्यादा रन खा लिए, 13 की इकोनॉमी के साथ, लगभग 13 की इकोनॉमी के साथ। अब इससे पहले तुम गलत ले लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिन पे ज्यादा पैसा लगता है वो प्लेयर्स अच्छा खेलते ही नहीं है। हाँ, काफी प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे देख के कॉन्ट्रोवर्सी मत शुरू कर देना, जैसे कैरी मिनाटी और विराट कोहली की थी। KKR से मुझे याद है, जब मैं कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच देख रहा था तब उसमें उन्होंने काफी ज्यादा मिसफील्ड की, जिसकी क्लिप अभी मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं आपको शो कर देता, मिलेगी तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, जिसपे उन्होंने काफी ज्यादा मिसफील्ड की, जिससे मुझे ये याद आने लगा। Can you believe it? What are Pakistan doing today in the field?
अब ज्यादा ऑफेंड मत हो जाना, मैं पाकिस्तानी फील्डिंग को बुरा नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि ऐसी फील्डिंग थी उनकी, बाकी अब खुद ही समझदार। और अब बात ये है कि अब आईपीएल जो है वो पुराने जैसा नहीं रहा। क्यों तो क्या हुई? वैसे ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा आईपीएल का फैन था पहले, अब इतना ज्यादा मुझे क्रेज नहीं है क्योंकि ना ही विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन है, ना ही एमएस धोनी सीएसके के, और ना ही रोहित शर्मा एमआई के रहे हैं। और इससे याद आया, कल मैं वीडियो देख रहा था नियॉन मैन की, शायद आपने ये वीडियो देखी होगी, उसमें जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए तो उन्हें इतना ज्यादा जा रहा था ऑडियंस की तरफ से, और काफी लोग कह रहे हैं कि उन्हें शायद इसीलिए इतनी ज्यादा हेट मिल रही थी, बहुत ही ज्यादा हेट मिल रही थी। मैं आपको एक मिनट क्लिप लगा के दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैच के दौरान एक डॉग फील्ड में एंटर कर गया था, तो डॉग जैसे ही एंटर किया सब लोग हार्दिक हार्दिक चैंट करने लगे डॉग के ऊपर, आप ये क्लिप में देख लो। तो काफी लोग इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें शायद इतनी ज्यादा हेट इसलिए मिल रही थी कि रोहित शर्मा की जगह उन्हें कैप्टनसी पे लाया गया और सब रोहित शर्मा को कैप्टन देखना चाहते थे। और कई लोग ये भी कह रहे हैं उन्हें इतनी ज्यादा हेट इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो मैच था गुजरात टाइटन्स के खिलाफ और पिछले साल वो गुजरात टाइटन्स के ही कैप्टन रहे थे, तो सब उन्हें ऐसे बोल रहे हैं कि पैसे के लिए उन्होंने टीम चेंज कर ली एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे ऐसे हमें किसी प्लेयर को हेट नहीं देनी चाहिए क्योंकि आईपीएल के हर सीजन में काफी प्लेयर शफल होते हैं, तो ऐसा तो नहीं हम हमेशा एक ही प्लेयर एक ही टीम में रहे और हम जब चेंज करें तो हम उसे हेट दे ही जाएं। लेकिन आजकल मैंने एक चीज नोटिस की है कि आईपीएल में ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है कि जो आजकल यंगस्टर्स हैं उन्हें आगे आने का मौका मिल रहा है, जैसे कि आजकल काफी, जैसे अभी मैंने हरप्रीत बराड़ की एग्जाम्पल दी, हम अभिषेक शर्मा को देख लें, अभी इतना अच्छा वो परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहे लेकिन उनमें वो खेलने का कॉन्फिडेंस आ गया जिससे वो अगर थोड़े और मैच खेलेंगे वो और ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे। तो ऐसे कई प्लेयर्स आईपीएल से हमें इंडियन टीम के लिए राइज होते हुए दिखते हैं, जैसे काफी प्लेयर्स हैं जो पास्ट में भी आईपीएल से जिन्हें पॉपुलैरिटी मिली और वो आगे जाके इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए। तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि एसआरएच वर्सेस केकेआर के मैच में हुआ, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, तो एसआरएच वर्सेस केकेआर के मैच में ये हुआ कि एंड में काफी ज्यादा रन चाहिए थे एसआरएच को, वो दो ओवर्स पड़े थे और पहले ओवर में मिचेल स्टार्क होगी उसकी कोई दिक्कत मुझे नहीं पता क्या ने काफी ज्यादा रन खा लिए और एंड वाले ओवर में बस 13 रन चाहिए थे। क्लासन जो अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो भी अभी खेल रहे थे, लेकिन हर्षित राणा जो केकेआर के प्लेयर हैं उन्होंने मयंक अग्रवाल को आउट कर दिया। सारी केकेआर की टीम एसआर के सब बहुत खुश हुए, लेकिन जब हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को आउट किया तो उन्होंने उन्हें सेंड ऑफ देते हुए एक फ्लाइंग किस की, जिसके कारण काफी लोगों को ये रूड बिहेवियर और ये बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव लगा, जिसके कारण हर्षित राणा की 60% मैच भी कट कर ली गई। बाकी आपका इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बता देना और अपनी फेवरेट टीम में कमेंट करके जाना, मेरी तो आरसीबी है जो अभी तक जीती नहीं, पर वुमेन्स टीम आरसीबी जीत गई। नाउ आई जस्ट फाइनली हैव टू से दैट इट्स नॉट ईसाला कप नंदे, इट्स ईसाला कप नंदू। या और मेंस आईपीएल भी आरसीबी जल्दी जीतेगी शायद। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे पता है ये वीडियो बिल्कुल भी आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आया होगा क्योंकि एक तो मैं कैसे सेटअप पे बैठा हूँ, मैं ऐसी कुर्सी पे बैठा हूँ जिसमें मैं वैसे कभी नहीं बैठता और पीछे भी इतना बोरिंग सा मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैंने बस यही बोला था। और 6 महीने के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो ही लाइक करना, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। और अगर आपको नए हो चैनल पे और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन को भी जरूर क्लिक कर देना, होपफुली नई वीडियोस में कंसिस्टेंटली डालता रहूंगा अगर टाइम मिला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आरसीबी नेम्स कम्स दैट इज लाइक ईसाला कप नंदे, आई थिंक नाउ आई जस्ट फाइनली हैव टू से दैट इट्स नॉट ईसाला कप नंदे, इट्स ईसाला कप नंदू।